हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो रोहित। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह डेली टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं आपको मोटो G5 Plus के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप जानते ही हैं कि इस स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको 5.2 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलेगा। इसमें आपको 2.0 GHz का स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर मिलेगा। इसमें आपको एंड्रॉइड का 7.0 लेटेस्ट वर्जन 9 GHz मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये फ़ोन आपको 3 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी के साथ आएगी, और जो दूसरा है वो 32 GB रैम और 4 GB रैम के साथ आएगी। इसमें आपको 12 MP का प्राइमरी कैमरा और 5 MP का सेकेंडरी कैमरा लगा है। इसमें आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा, और इसमें आपको 3000 mAh की पावरफुल बैटरी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो 16 GB मेमोरी वाले फ़ोन होगा उसकी प्राइस होगी आपको 14,999 रुपये, और जो 32 GB वाली होगी उसकी होगी आपको 15,999 रुपये। तो जब काफ़ी अच्छी बात है ये। इसमें आपको 3000 mAh की दमदार बैटरी मिल रही है, वो भी टर्बो चार्जिंग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको, अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो आपको इसमें 1500 रुपये की छूट मिलेगी, मतलब 10% इसको आपको ऑफर दिया, डिस्काउंट दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, टर्बो चार्जिंग का सुविधा मिलेगा। 5 MP का फ्रंट कैमरा, आपको फ्रंट में फ्लैश नहीं है, और जो 12 MP का प्राइमरी कैमरा है इसमें आपको डुअल कलर LED फ्लैश मिलेगा। इसमें आपको 5.2 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी। इसमें आपको 2.0 ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलेगा, स्नैपड्रैगन 625, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको 3 GB की रैम मिलेगी, और इसमें आपको 16 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी। एक फ़ोन आएगा 16 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, दूसरा फ़ोन आएगा 32 GB इंटरनल फोन के साथ। तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको जो आप जिसको चाहते हैं उसको ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसकी 1 घंटे से इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स है, और काफ़ी फास्ट, कोई लेग और कोई हैंग का प्रॉब्लम अभी यहाँ तक हम लोगों को नहीं दिखा। तो काफ़ी अच्छा है यूज़ करने के लिए। तो आप इसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं पूरा मेटल बॉडी है। तो इसको, इस बैटरी को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये नॉन रिमूवेबल बैटरी है। तो काफ़ी अच्छा है फ़ोन देखने में, और इसे आप 1 हैंड से आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको वोल्टी का सपोर्ट भी मिलेगा। तो देखते हैं कि फ़ोन क्या कमाल कर पाता है इंडिया में। तो कल ही लॉन्च हुआ बुधवार को, तो इसकी लगभग आपको बता दिया कि 14,000 रुपये इसकी प्राइस है, और जो 15,000 है उसमें आपको 32 GB का इंटरनल मेमोरी के साथ आएगा वो फ़ोन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, एक पूरी तरह से। एक आपको ऊपर में एक कंट्रोल पैनल मिलेगा, और इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिलेगा, एक एडाप्टर मिलेगा, और एक चार्जिंग, इसमें आपको टर्बो चार्जिंग का सुविधा मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आप टर्बो चार्जिंग कर सकते हैं। तो कैमरा भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ये तो आज से आपको फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखते हैं, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिलेगा, और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 9 GHz मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, लेटेस्ट है एकदम, और एकदम न्यू ही है। तो देखते हैं कि क्या कमाल पड़ेगा। इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी भी मिल रही है, जो कि आपको बार बार चार्जिंग करने की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देगी। तो काफ़ी अच्छा जो फीचर्स है ये फ़ोन में, प्राइस भी लगभग, ये फ़ोन लगभग आपको सैमसंग गैलेक्सी J5 Prime सबको टक्कर देने वाली फ़ोन है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह डेली टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।